Hello students, a very good morning to all of you. This is a class of 8th foundation in which we are going to study the chemistry subject और chapter name is metals and non-metals. ठीक है, ओके. तो आज के हमारे chapter का नाम है metals and non-metals. जैसा कि आप लोगों ने periodic table तो देखा ही होगा, जिसके अंदर around 118 elements होते हैं. ठीक है, तो उसमें से कुछ metals होते हैं और कुछ non-metals होते हैं. तो इतने सारे एलिमेंट्स में से हम मेटल्स और नॉन मेटल्स को कुछ प्रॉपर्टीज के बेसिस पर क्लासिफाई करते हैं. कुछ को हम मेटल्स की कैटेगरी में रखते हैं और किसको जो है तो नॉन मेटल्स की कैटेगरी में रखते हैं. तो कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जिसके हिसाब से हम इन दोनों को क्लासिफाई करते हैं. लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप देखो पीरियडिक टेबल में जो 118 एलिमेंट्स है आज की तारीख में, ये पहले इतने एलिमेंट्स नहीं थे. अगर हम मेडिवल पीरियड देखेंगे तो उस वक्त में जो साइंस था, उस वक्त में जो डिस्कवरीज हुई थी, तो उस टाइम पे जो है तो बहुत कम एलिमेंट्स जो है तो लोगों को नोन थे, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, है ना, इसके बारे में उनको पता था, जिसको हम कॉइनेज भी बोल सकते हैं, कि जिसमें गोल्ड, सिल्वर और कॉपर के कॉइन्स भी यूज़ किए जाते थे. लेकिन जैसे जैसे डिस्कवरीज और रिसर्च होने लगा और इन्वेंशन होने लगे, तो बहुत सारे एलिमेंट्स डिस्कवर हो गए और आज की तारीख में वी कैन से दैट देर आर टोटल 118 एलिमेंट्स. तो एवरीथिंग विच इज़ प्रेजेंट इन द यूनिवर्स, यूनिवर्स तो नहीं लेकिन अर्थ में अगर हम कहें, तो एवरीथिंग विच इज़ प्रेजेंट इन द अर्थ, चाहे वो लिक्विड हो, सॉलिड हो या गैस हो, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एलिमेंट्स. और चाहे वो मेटल हो या नॉन मेटल हो, चाहे वो गैस स्टेट में हो या सॉलिड स्टेट में हो या फिर लिक्विड स्टेट में हो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इसकी अगर हम हिस्ट्री देखें, तो एक साइंटिस्ट था, साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लेवोइजियर. तो इन्होंने क्या किया कि उस टाइम पे जितने भी एलिमेंट्स नोन थे उनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया. तो उन्होंने देखा कि कुछ एलिमेंट्स की जो है सिमिलर प्रॉपर्टीज़ है और कुछ ऐसा एक ग्रुप है एलिमेंट्स का जिनकी आपस में सिमिलर प्रॉपर्टीज़ है. तो उन्होंने क्या किया कि एलिमेंट्स को तीन क्लासिफिकेशन में क्लासीफाई किया, जिसमें से एक को उन्होंने नाम दिया मेटल्स, दूसरे को नाम दिया उन्होंने नॉन मेटल्स एंड थर्ड वन इज मेटलॉइड्स. तो कोई ना कोई ऐसी प्रॉपर्टीज होगी जिसके ऊपर उन्होंने बेस इन एलिमेंट्स को डिफरेंट डिफरेंट इसमें क्लासिफाई किया. तो वी कैन से दैट मेटल्स आर दोज एलिमेंट्स विच शोज द प्रॉपर्टी ऑफ मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, लस्टर, सोनोरिटी, कंडक्टिविटी ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. तो जो भी एलिमेंट इन सारे प्रॉपर्टीज को जो तो बताता है और या फिर दे हैव दिस प्रॉपर्टीज, उन एलिमेंट्स को हम मेटल्स कहते हैं. और जिसमें ये प्रॉपर्टीज नहीं होती है या फिर इसकी इन प्रॉपर्टीज के एग्जैक्टली अपोजिट प्रॉपर्टीज होती है, उसको हम कहते हैं नॉन मेटल्स. और मेटलॉइड्स ऐसे कुछ गिने चुने एलिमेंट्स होते हैं जो कुछ प्रॉपर्टीज मेटल्स की भी बताते हैं और कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स की भी बताते हैं. तो वन बाय वन इनकी प्रॉपर्टीज को हम पढ़ेंगे और बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे कि जो पॉपुलर मेटल्स है और जो पॉपुलर नॉन मेटल्स है उनके एग्जांपल्स भी हम देखेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले हम जो है तो मेटल्स की डेफिनेशन देखेंगे. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मेटल? सो वी कैन से दैट दोज एलिमेंट्स which shows following properties are known as metals. जैसे कि first property है malleability. ठीक है, malleability. तो malleability का मतलब क्या होता है? अगर हम इसकी स्टडी करने जाए तो हम डेफिनेशन देखेंगे. द एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट टू गेट कन्वर्टेड इनटू शीट्स. तो ऐसा एलिमेंट जो अपने आप को शीट्स में कन्वर्ट कर सकता है, उन एलिमेंट को अगर आप हैमरिंग करते हो वो शीट्स में कन्वर्ट हो जाता है, उन सारे एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं? मेटल्स कहते हैं. तो वी कैन राइट हियर के एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट to get converted into sheets
after hammering is called as a malleability. For example, सिल्वर, आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्वीट्स होती है, जैसे कि काजू कतली हो गए या फिर मोतीचूर के लड्डू हो गए, बहुत सारे अलग अलग स्वीट्स के ऊपर जो है तो सिल्वर की शीट्स लगी हुई होती है, और सिल्वर को हमने क्या किया है, शीट्स में कन्वर्ट कर दिया है. सो वी कैन से दैट कि सिल्वर क्या है, मेटल है. उसी तरीके से गोल्ड की शीट्स बनती है, आयरन की शीट्स बनती है, मैग्नीशियम की शीट्स बनती है, ठीक है. तो इन सारे एलिमेंट जिसको आप हैमरिंग करके उसको शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हो, उन सारे एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, मेटल्स कहते हैं. तो इसको हम जो है तो शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है. चाहे वो गोल्ड हो, गोल्ड की भी आप क्या बना सकते हो, शीट्स बना सकते हो, ठीक है. यहाँ पर आपको जो है तो मेलेबिलिटी का कंसेप्ट समझ में आ रहा है. फिर सेकेंड अगर हम देखें, सेकेंड प्रॉपर्टी, उसको हम कहेंगे डक्टिलिटी. तो यहां पे डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है, द प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल टू गेट कन्वर्टेड इनटू वायर्स, टू गेट कन्वर्टेड इनटू वायर्स, इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, डक्टिलिटी कहते हैं. जैसे कि आप फॉर एग्जांपल देख लीजिए, बहुत सारे एग्जांपल्स जो थे आपको दिखाई देंगे, जैसे कि कॉपर वायर्स, कॉपर के जो वायर्स होते हैं विच आर यूज इन इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी में इसको हम यूज करते हैं. जितने भी आपके वायरिंग होती है, ठीक है, इलेक्ट्रिक की जो वायरिंग्स होती है वो जनरली कॉपर के बनी हुई होती है. जो स्ट्रीट्स लाइट्स में, स्ट्रीट्स में जो वायरिंग जाती है वो जाती है एल्यूमिनियम की, ठीक है. सो इसको भी हम क्या कहेंगे, मेटल्स कहेंगे, क्योंकि उसको आप जो है तो इन एलिमेंट्स को आप क्या कर सकते हो, वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हो. द प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल टू गेट कन्वर्टेड इनटू वायर्स इज कॉल्ड एज अ डक्टिलिटी. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सोनोरिटी. सोनोरिटी सोनोरिटी का मतलब क्या होगा, सोनोरिटी का मतलब होगा टू प्रोड्यूस साउंड. साउंड प्रोड्यूस करता है व्हेन हैमर्ड, जब उसको आप हैमरिंग करते हो, जब उसको आप हैमरिंग करते हो तब वो क्या करता है, साउंड को प्रोड्यूस करता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि हमारे स्कूल की जो बेल होती है, ठीक है, स्कूल बेल जो बनी हुई होती है वो भी किस चीज़ की बनी हुई होती है, मेटल की बनी हुई होती है, ठीक है. स्कूल की बेल मेटल की बनी हुई होती है. गिटार के जो स्ट्रिंग्स होते हैं, ठीक है, दे आर ऑल्सो मेड अप ऑफ मेटल वायर, मेटल के वायर के बने होते हैं. आपने ऐसा कोई गिटार देखा है जिसके वायर्स जो है रबर के बने हुए होंगे या फिर प्लास्टिक के बने हुए होंगे या फिर कार्बन के बने हुए होंगे? नहीं, उसके भी जो होते हैं स्ट्रिंग्स वो किसके बने होते हैं, मेटल्स के बने होते हैं. क्यों? क्योंकि वो जो है साउंड प्रोड्यूस करता है, इको साउंड प्रोड्यूस करता है, और उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं सोनोरिटी. फोर्थ प्रॉपर्टी जो मेटल शो करता है वो है लस्टर, ठीक है. वीडियो को पॉज करके यू कैन ऑल्सो नोट डाउन ऑल दीज पॉइंट्स. तो वी कैन से द व्हाट इज इट, हैज शाइनिंग सरफेस, उसकी जो सरफेस होती है वो शाइन करती है, और इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, लस्टर. सो वी कैन से दैट मेटल्स आर लस्टरस. जैसे फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज्ड इन मेकिंग ज्वेलरीज, है ना. आपने सोचा है कि हम गोल्ड और सिल्वर और प्लैटिनम के ही ज्वेलरीज की यूज़ करते, ठीक है, हम जो तो फॉस्फोरस या सल्फर या प्लास्टिक के ज्वेलरीज क्यों नहीं पहनते, ठीक है, या फिर रबर की बनाई हुई ज्वेलरीज क्यों नहीं पहनते? क्योंकि ये जो है इनकी सरफेस, दीज आर मेटल्स, गोल्ड और सिल्वर क्या है, बहुत ज़्यादा लस्टरस मेटल्स होते हैं. वैसे तो सारे ही मेटल्स लस्टरस होते हैं, लेकिन कुछ मेटल्स बहुत ज़्यादा लस्टरस होते हैं, जैसे कि गोल्ड और सिल्वर, इसीलिए इसके जो है तो
ज्वेलरीज बनाई जाती है क्योंकि बहुत ज़्यादा वो शाइन करते हैं। तो ये प्रॉपर्टी जिसके अंदर उनकी सरफेस जो शाइन करती है उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं लस्टरस। फिफ्थ प्रॉपर्टी है गुड कंडक्टर ऑफ हीट, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। देखिए एग्जांपल से समझेंगे हम, ठीक है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। मतलब मेटल्स कैन कंडक्ट, मेटल्स कैन कंडक्ट हीट, वो हीट को कंडक्ट कर सकते हैं। अगर उसको आप हीट करते हो वो हीट को कंडक्ट करता है, जल्दी हीट हो जाता है और वो हीट को कंडक्ट करके रखता है। अगर आप एक रॉड लेते हो आयरन की, उस रॉड को एक एंड से जो है तो गर्म करना स्टार्ट करते हो, वो जो है हीट करना स्टार्ट करते हो, तो वो हीट जो है वो ट्रैवल करती है एक एंड से दूसरी एंड की तरफ। इसको आप इजीली समझ सकते हो, जैसे मान लीजिए कि आपने एक स्टैंड लिया, ठीक है, और उस पर जो है एक आयरन की रॉड ऐसे लगा दी। फिर आप क्या करते हो कि आपने वैक्स लिया, वैक्स को यहाँ पे ऐसे लगा दिया, और उस वैक्स में आपने क्या किया कि जो नेल्स होते, खीले जो होते, खीले वो आपने इसको ऐसे लगा दिया, है ना, खीले जो होते हैं वो नेल्स जो होते हैं उसको आपने ऐसा वैक्स के थ्रू इस आयरन की रॉड पे चिपका दिया। अब आप क्या कर रहे हो आप क्या करते हो कि एक बर्नर ले रहे हो, ठीक है, बर्नर आपने लिया या फिर कैंडल लिया, और उसके एक एंड को आपने क्या करना स्टार्ट किया, उसको हीट करना स्टार्ट किया। जैसे ही आप उसको हीट कर रहे हो तो ये हीट यहाँ पर तो हीट होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है, सिर्फ यहाँ पर हीट नहीं करता, वो हीट जो है ट्रैवल करता है क्योंकि ये पूरा मेटल का बना हुआ है और मेटल कैन कंडक्ट हीट। तो ये हीट यहाँ से ट्रैवल करती है, ट्रैवल करते जाते ये भी हीट होते जाता है। जैसे ही वो हीट इस चीज़ इस सरफेस को हीट कर देता है तो ये वैक्स जो है वो मेल्ट होना स्टार्ट होता है। ये क्या होता है, मेल्ट होना स्टार्ट होता है। जैसे ये मेल्ट हो जाता है तो ये जो नेल्स है, जो खीला है आयरन का बना हुआ, वो नीचे गिर जाता है। फिर वो इसको भी मेल्ट कर देता है, ये भी नीचे गिर जाता है। फिर वो आगे चल के इसको भी मेल्ट कर देता है और ये भी नीचे गिर जाता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो मेटल्स होते हैं दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिक, दे कैन कंडक्ट हीट। सेम अगर आप एग्जाम्पल लो, जो कुकर होता है, प्रेशर कुकर जो होता है ना, जिसमें हम जो तो चावल वगैरह बनाते, राइस जो है तो बनाते, वो जो कुकर जो बना हुआ होता है इट इज मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम जो है तो वो मेटल होता है। अब आप देखिए खाना हम उसमें बना रहे हैं कुकर में और उसको हीट कर रहे हैं और उसमें खाना बन जाता है। जब उसको आपको स्टोव से उठाना होता है तो क्या आप उस एल्यूमिनियम के बने हुए कुकर को पकड़ते हो या उसका प्लास्टिक के हैंडल को पकड़ते हो, ठीक है, आप क्या करते हो कि उसके प्लास्टिक के हैंडल को पकड़ के गैस स्टोव से नीचे उतार देते हो। ऐसा क्यों किया आपने, क्योंकि जो वो एल्यूमिनियम जो है दैट इज अ मेटल, इट कंडक्ट हीट, उसके उसको वो हीट हो गया, बट उसका जो हैंडल है वो हीटेड नहीं हुआ क्योंकि वो प्लास्टिक का बना हुआ था, एंड प्लास्टिक इज मेड अप ऑफ नॉन मेटल्स। सो वी कैन से दैट मेटल्स कैन कंडक्ट हीट बट नॉन मेटल्स कैन नॉट कंडक्ट हीट। हम कहते हैं कि जो भी प्रॉपर्टीज जो मेटल बता रहे हैं ये सारी प्रॉपर्टीज मेटल बताते हैं और इसके एग्जैक्टली अपोजिट प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स की होती है। हमने कहा कि मेटल्स आर मेलिएबल, उसको आप शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हो, चाहे वो किसी भी शीट की बात हो, जैसे कि सिल्वर हो, गोल्ड हो, एल्यूमिनियम हो, आयरन हो, है ना, उसको आप शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन अगर वहीं आप नॉन मेटल्स की बात कर लो, जैसे कि कार्बन, फॉस्फोरस, सल्फर, इनको आप शीट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। अगर इसको आपको हैमरिंग करते हो उसको आप, तो वो क्या हो जाता है, वो पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है, शीट्स में कन्वर्ट नहीं होता है। वैसे ही अगर हम देखें डक्टिलिटी, मेटल्स को आप वायर में कन्वर्ट कर सकते हो लेकिन नॉन मेटल को वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। थर्ड हमने देखा सोनोरिटी, मेटल्स को आप हैमर से स्ट्रक करो, किसी भी सॉलिड चीज से को स्ट्रक करो उसमें से आवाज प्रोड्यूस होता है, लेकिन नॉन मेटल से बनी हुई चीज जैसे कि प्लास्टिक से बनी हुई, रबर से बनी हुई, तो ये कैसे है, दे आर मेड अप ऑफ नॉन मेटल्स और उसमें साउंड प्रोड्यूस नहीं होता है। सो वी कैन से दैट नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस, लेकिन मेटल्स सोनोरस होते हैं। मेटल्स लस्टर की प्रॉपर्टी शो करता है, इसके सरफेस जो है वो शाइन करती है, इसीलिए हम उसको ज्वेलरीज में यूज़ करते हैं। नॉन मेटल्स की कभी भी आपको ज्वेलरीज नहीं दिखाई देंगी क्योंकि उनके सरफेस उतनी शाइन नहीं करती जितनी के मेटल्स की करती है। गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी हमने देखा
कि यहाँ पे कुकर का एग्जांपल बेस्ट है, जिससे आपको समझ में आ गया कि कुकर जो एल्यूमिनियम का बना हुआ है जो कि मेटल है और वो हीट कंडक्ट करता है, इसको आप जब आप हीट देते हो तो उसमें खाना बन जाता है। लेकिन जब आप उसको उठाते हो तो प्लास्टिक का हैंडल गर्म नहीं होता है, क्योंकि वो किस चीज़ का बना हुआ है, नॉन मेटल का बना हुआ होता है। वैसे ही सिक्स प्रॉपर्टी अगर हम देखें तो दैट इज नथिंग बट द कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो वी कैन से दैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इसमें क्या हो रहा है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल जितने भी इलेक्ट्रिकल वायर्स होते हैं, ठीक है, मैंने आपको इस पहले ही बताया इलेक्ट्रिक के जो वायर्स होते हैं दे आर मेड अप ऑफ नथिंग बट द मेटलिक वायर्स, मेटल के बने होते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे घर में जो भी कुछ है, चाहे आप हीटर ले लो, मिक्सर ले लीजिए, या फिर मोबाइल का चार्जर ले लीजिए, किसी भी चीज़ की बात कर लीजिए, कि उसके अंदर जो वायर होता है वो मेटल का बना हुआ होता है, क्योंकि उसमें से क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती है। वी कैन से दैट इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वहाँ से जो है वो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है। बट हमें वो करंट ना लगे, इसलिए क्या किया हुआ होता है कि उस वायर को प्लास्टिक की कोटिंग की हुई होती है ताकि हमें वो करंट ना लगे। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि प्लास्टिक इज मेड अप ऑफ नॉन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कैन नॉट कंडक्ट हीट या फिर दे कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इसलिए वी कैन से दैट कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, एज वेल एज ऑन द कॉन्ट्ररी नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सो हियर हमने कुछ प्रॉपर्टीज देखी मेटल्स की, और एग्जैक्टली सेम प्रॉपर्टीज जो है तो इसकी अपोजिट होती है नॉन मेटल्स की। अब यहाँ पे एक और चीज़ है जो हमने पहले देखी थी, वो ये थी कि हमने तीसरा टर्म देखा था मेटलॉइड्स, सो व्हाट आर मेटलॉइड्स, दोज एलिमेंट्स विच शोज सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स and some properties of non-metals. Some properties of non-metals. For example, अब देखिए पूरे periodic table के अंदर around 7 ही non-metals होते हैं, जो कुछ मेटल्स की प्रॉपर्टीज भी डिस्प्ले करते हैं और कुछ नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टीज डिस्प्ले करते हैं। उनको याद करने का बहुत आसान तरीका होता है, जिसके लिए हम कुछ ट्रिक्स की यूज़ करते हैं, जैसे कि ब सी गे अस सब टे पो, सेवन एलिमेंट्स हैं। कौन कौन से, देखिए ब मतलब बोरॉन, सी मतलब सिलिकॉन, गे मतलब जी ई दैट इज जर्मेनियम, अस मतलब ए एस आर्सेनिक, सब मतलब एस बी एंटीमनी, टे मतलब टी ई टेलोरियम, पो मतलब पी ओ दैट इज पोलोनियम। सो बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलोरियम और पोलोनियम, दीज एलिमेंट्स आर नथिंग बट द मेटलॉइड्स विच कैन शो सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एज वेल एज सम प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स होते हैं। अब यहाँ पे आपको समझ में आ गया है कि कौन से मेटल्स होते हैं और कौन से जो है तो नॉन मेटल्स होते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि आपके पास में पीरियोडिक टेबल दे दिया जाए और आपको पहचानना हो कि उस पीरियोडिक टेबल के अंदर मेटल्स कहाँ सिचुएटेड हैं और नॉन मेटल्स कहाँ सिचुएटेड है, तो ये पता करना बहुत आसान है। कैसे, जैसे मान लीजिए कि जब आप पीरियोडिक टेबल देखते हो, मान लीजिए कि पूरा पीरियोडिक टेबल है, एक जिगजैग लाइन आपको दिखाई देंगी और वो जिगजैग लाइन जो है वो मेटलॉइड्स की होती है। आपको यहाँ दिखाई देगा ब सी गे है ना अस सब
सब टे, ठीक है। अब देखिए ये वाली जो लाइन है, इस लाइन को हम कहते हैं जिगजैग लाइन। यहां से ऐसे ऐसे जिगजैग लाइन ये बनती है। दिस जिगजैग लाइन इज मेटालॉइड। ये सारे क्या है? मेटालॉइड्स है। मेटालॉइड्स के राइट साइड में जो कुछ भी होता है वो क्या होता है? नॉन मेटल्स होते हैं। अब यहां पे कौन कौन से एलिमेंट्स है नॉन मेटल्स के? एग्जाम्पल्स देख लीजिए, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हीलियम, नियॉन, एर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, फास्फोरस, सल्फर एट्सेट्रा। तो ये एलिमेंट जो है तो राइट साइड में प्रेजेंट है, और ये क्या होते हैं? दीज आर नथिंग बट द नॉन मेटल्स। क्या होते हैं? नॉन मेटल्स होते हैं। वही अगर आप लेफ्ट साइड के एलिमेंट्स को देखते हो, या फिर नीचे दिए हुए डी ब्लॉक एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को देखते हो, ये सारे एलिमेंट्स कौन से होती है? दीज आर नथिंग बट द मेटल्स। ये क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं। तो आपको मेटल्स में बहुत सारे एलिमेंट्स दिखेंगे, जैसे कि आपको दिखेंगे ए जी सिल्वर, ए यू गोल्ड, सी आर क्रोमियम, सी यू कॉपर, सी ओ कोबाल्ट, एफ ई आयरन, ए एल एल्यूमिनियम, एम जी मैग्नीशियम, सी ए कैल्शियम, एन ए सोडियम, के पोटेशियम एट्सेट्रा। तो अगर हम देखें तो 118 एलिमेंट्स में से टोटल 90 और 92 एलिमेंट्स आर मेटल्स। ये सारे तो नॉन मेटल्स होते हैं, और 7 क्या होते हैं? मेटलॉइड्स होते हैं। तो इसमें से सारे ही एलिमेंट्स जो है तो नेचुरल एलिमेंट्स नहीं होते, कुछ एलिमेंट्स जो है तो वो मैनमेड भी होते हैं। सो हमने अभी तक ये इस चैप्टर में जो है तो मेटल्स की प्रॉपर्टीज देखी, नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज देखी, मेटलॉइड्स की प्रॉपर्टीज देखी। हमें अगर पीरियोडिक टेबल में मेटल्स और नॉन मेटल्स को आइडेंटिफाई करना है तो जिगजैग लाइन जो मेटलॉइड्स की होती है उसके राइट साइड में सब नॉन मेटल्स होते हैं, और उसके लेफ्ट साइड में सारे मेटल्स होते हैं, ठीक है। तो इनकी प्रॉपर्टीज को, इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस होते हैं और कुछ प्रॉपर्टीज और होती है जिसको हम फर्दर नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। सो इसको आप नोट डाउन कर सकते हो, वीडियोस को पॉज करके इसको आपको अपने नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हो। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।